फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स पर भारी पड़ रहा है आज का स्टार किड। इस स्टार किड को डेब्यू किए एक दिन ही हुआ कि इसने सुपरस्टार्स को टक्कर दे दी है कमाई के मामले में। अक्षय कुमार को पीछे छोड़ दिया है और सलमान के आसपास पहुंच गए हैं और जॉन इब्राहिम तो बहुत ही पीछे छूट गए हैं। मैं बात कर रही हूँ सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की। तड़प फिल्म को कुछ मीडिया ने बहुत ही गंदे रिव्यूज़ दिए, लेकिन रिव्यूज़ एक तरफ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक तरफ। तड़प फिल्म जिसमें अहान शेट्टी और साथ में तारा सुतारिया है, इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन ने अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम को पीछे छोड़ दिया है। जॉन इब्राहिम की सत्यमय वजह थे पीछे छूट चुकी है और सलमान की अंतिम के आसपास ही फिल्म का कलेक्शन है। पहले ही दिन इस फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, फिल्म का सबसे बड़ा मार्केट जहां से जो फिल्म मेकर्स हैं डिपेंडेंट रहते हैं कलेक्शन के लिए, यानी कि महाराष्ट्र, वहां पर 50% ऑक्यूपेंसी है, उसके बावजूद इस तरह का कलेक्शन आना एक मैजिक से कम नहीं। अक्षय कुमार की बेल बॉटम ने भी इतने नहीं कमाए थे पहले दिन। और इसके अलावा बात करें सलमान खान की अंतिम फिल्म की, तो उसकी भी फर्स्ट डे की जो कमाई है वो 5 करोड़ रुपए ही है। तो ऐसे में अहान शेट्टी की फिल्म अगर 4 करोड़ कमाई कर लेती है तो जाहिर सी बात है पहली फिल्म से ही स्टार किड की स्टार वैल्यू नज़र आ रही है। और कह सकते हैं कि इसमें योगदान सुनील शेट्टी की गुडविल का है। सुनील शेट्टी ने चाहे फिल्मों से ज़्यादा नहीं कमाया हो, लेकिन उन्होंने अपने बिहेवियर और अपने नेचर के कारण बहुत वाहवाही कमाई है। यही कारण है कि अहान की फिल्म का जब प्रीमियर हुआ तो पूरी इंडस्ट्री उनके लिए वहाँ मौजूद थी और सभी ने अहान को कंग्रेचुलेट किया। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से फिल्म की पब्लिसिटी हुई है और जो ओपनिंग के नंबर्स बता रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। ये तो फ्राइडे के कलेक्शंस है, अभी सैटरडे और छुट्टी वाले दिन संडे के कलेक्शंस आने बाकी है।